अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आबिद नवाज हुसैन है, मैं हेड कांस्टेबल हूँ थाना ठट्ठा साहब का बाग में तैनात। सर आज 10 मुहर्रम की मेरी ड्यूटी जहानिया में थी जुलूस के साथ, और मेरी पॉइंट ड्यूटी एसएचओ साहब ने लगाई थी, वहाँ पर मैं मौजूद था कि डीएसपी साहब जहानिया गुलाम मुस्तफ़ा गुज्जर साहब, सर उन्होंने अपने रीडर के ज़रिए मुझे बुलाया और बुला के मुझसे पूछा आप क्या ड्यूटी कर रहे हैं। मैंने सर अर्ज़ किया कि मैं वहाँ पर वॉलंटियर के साथ ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ, जो वॉलंटियर हैं वो सर चेक कर रहे हैं उनको जो अंदर जा रहे हैं जुलूस में, और मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। उन्होंने ना मुझसे कोई बात पूछी, ना कोई आगे जवाब दिया, और मुझे एक थप्पड़ रसीद किया। आवाम के सामने सर उन्होंने मेरी इंसल्ट की है, मुझे इंसाफ चाहिए सर। जनाब एडिशनल आईजी साहब जो भी पंजाब, जनाब आईजी साहब और जनाब आरपीओ साहब और जनाब बीपीओ साहब खाने वाले, सर मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मुझे क्यों थप्पड़ मारा गया, आवाम के सामने मेरी क्यों इंसल्ट की गई।